हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप क्या जानते हैं जो संविधान पहले बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था और बनाने में कितना टाइम लगा था? तो चलिए आज वो संविधान के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा संविधान है वो बनने के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, और वो जो बनाया गया था हमारा अभी जो पार्लियामेंट भवन है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे बनाया गया था। मैं श्रवण आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस पे, और आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियंस, उसका जो पहला पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज जो बात करेंगे यहाँ पे पार्ट टू, यहाँ पे सारे जितना भी और यूनियन और स्टेट्स रह गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाएगा, और दूसरा चीज लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी ये वीडियो के बारे में डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले जो था वीडियो, वहां पे हम धर कमीशन और जेपीवी कमिटी में बात कर चुके थे। वो जो लैंग्वेज बेसिक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने वो कमीशन बिठाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो लैंग्वेज बेसिस होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस होगा वहीं पे, तो उसी का जो थर्ड है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 को तैयार किया गया था और अपॉइंट किया गया था। किस कौन अपॉइंट किया था इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट किया हुआ था, और इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो है 3 मेंबर्स थे, और हेड थे फजल अली, और जो अदर 2 मेंबर्स थे वो है केएम पानिकर एंड एचएन कुंजरू। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर 1995 को, और वो जो सबमिट किए थे वहां पे वो क्या रिकमेंडेशन दिए थे ना, वो एक्सेप्ट द लैंग्वेज बेसिक्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स बट इट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। वो तो बोल दिया कि लैंग्वेज में रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको भी रिजेक्ट किया क्या ना, एक ही लैंग्वेज का एक ही स्टेट होना चाहिए, उसको उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दिया, बोला ऐसे नहीं होना चाहिए। और आइडेंटिफाई किए जो 4 मेजर फैक्टर्स था उनका अकाउंट इन द एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जब भी एक स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर मतलब किया जाएगा वो 4 मेजर फैक्टर्स को पहले देखना होगा। तो चलिए देखते हैं वो 4 मेजर फैक्टर्स क्या है। पहला जो है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग आउट ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसमें से वो कंट्री का यूनिटी और सिक्योरिटी पर बात नहीं आनी चाहिए, उसका प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथिंग वैसे ही रहना चाहिए। दूसरा है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिसिटी, वो स्टेट्स पे लिंग्विस्टिक और कल्चरल का होमोजेनिसिटी नहीं होना चाहिए। दूसरा है फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, और जो था ये चीज होना चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिसिटी के बाद फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी होना चाहिए। और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर पीपुल ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज होल, और जो प्लानिंग और प्रमोशन जो होगा वो सारा मतलब पीपुल के लिए वेलफेयर होगा, टोटल होल नेशन के लिए। तो ये जो 4 था वो रखे थे, 4 फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। पहला है जो प्रिजर्वेशन स्ट्रेंथिंग, द्वितीय है लिंग्विस्टिक और कल्चरल के बारे में देखना होगा, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बारे में देखना होगा, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर के बारे में भी देखना होगा। इट सजेस्टेड टू अबोलिशन द 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मड 14 UTs एंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज और नवम्बर 1956। तो ये कमीशन ने क्या किया ना, जो पहले जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप ए बी सी डी में बटा गया था स्टेट्स को, उसको अबोलिश कर दिए, और टोटल कितना बन गया ना, 14 स्टेट बना और 6 यूनियन टेरिटोरीज बना। जो 14 स्टेट कौन कौन सा था, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और जो यूटीज थे वो थे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आदमिनी आइसलैंड्स, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये था यूटीज। ये है 1956। तो उसके बाद क्या हुआ आफ्टर द 1956 इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज कैसे हुआ था, पहले हम चलते हैं
बॉम्बे, पहले जो बॉम्बे था, बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया महाराष्ट्र और दूसरा हो गया गुजरात। जो मराठी स्पीकिंग पीपुल थे वही जो एरिया था उसको लेके बना गया महाराष्ट्र, और जो गुजराती स्पीकिंग पीपुल जो एरिया में रहते थे उसको लेके बना गया गुजरात। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो था मतलब जो बनाया गया था गुजरात, वो था 15th स्टेट ऑफ आवर इंडियन यूनियन। पहले तो 14 आपको मैं बोल चुका हूँ, ये जो था ये 15 था। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली, इट कन्वर्टेड टू यूटीज इन 1961। जो दादरा नगर हवेली था उसको 1961 में यूटी में कन्वर्ट किया गया था। उसके बाद गोवा, डामन एंड डीव, इंडिया अकॉर्ड बाय द पोलिस एक्शन फ्रॉम पोर्तुगीज इन 1961। जो गोवा एंड दमन दीव था उसको 1961 तक पोर्तुगीज के हाथ में था, और पोलिस एक्शन में पोर्तुगीज से इंडिया ने एक्वायर कर लिया, और टिल 1962 देयर यूटीज, और 1962 तक गोवा एंड दमन दीव यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज ही था। लेकिन 1987 में क्या किया गया ना, गोवा को स्टेट में कन्वर्ट किया गया, वो एक स्टेट बन गया, और जो दूसरा था जो दामन एंड दीव उसको यूटीज ही रहने दिया गया। उसके बाद आता है पुदुचेरी, इंडिया एक्वायर दिस टेरिटरी फ्रॉम फ्रेंच इन 1954। तो यहां पे जो 1954 वहां तक जो फ्रेंच के लोग थे वो इंडिया को रूल कर रहे थे, इंडिया एक्वायर किया उसको 1954 में, एंड 1962 ई कन्वर्टेड यूटीज, और 1962 में वो यूटी में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है नागालैंड। नागालैंड फॉर्म्ड इन 1963 बिफोर इट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर आसाम। नागालैंड जो था वो क्या पहले गवर्नर आसाम के गवर्नर जो थे उनके कंट्रोल में था, उसके बाद 1963 में नागालैंड फॉर्म किया गया। और बिफोर द गिविंग नागालैंड द स्टेटस ऑफ द 16 स्टेट द इंडियन यूनियन, इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर ऑफ आसाम इन 1961। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। जो 1966 में द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन क्रिएटेड टू स्टेट, जो टू स्टेट्स उन्होंने बनाया शाह कमीशन ने 1966 में, क्या क्या था वो। पहला था पंजाबी स्पीकिंग पीपुल्स एरिया, दैट इज कॉल्ड पंजाब, उन्होंने पंजाब बना दिया, जितने लोग पंजाबी बोल रहे थे वो एरिया को लेके। और दूसरा था जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज था उनको उन्होंने हरियाणा बनाया। और जो तीसरा था हिल्स एरिया, वी आर मर्ज विथ एडजोइनिंग यूनियन टेरिटोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश वो तीसरा वाला बना, ये तीन बनाए थे तभी शाह कमीशन ने। उसके बाद इन 1961 गेट स्टेटस ऑफ स्टेट इन 18th, और ये जो था हमारा हिमाचल प्रदेश उसको 1971 में स्टेटस दिया गया, किसका ना स्टेट का जो 18th स्टेट है। और 1966 में चंडीगढ़ को यूटी के तरह उसको क्रिएट किया गया था, मतलब चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटोरीज बन गया 1966 में। उसके बाद हम चलते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, वो कैसे बना। इन 1972 मणिपुर, त्रिपुरा एंड सब कास्ट सब स्टेट ऑफ मेघालय, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कास्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए था। सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड एंड टू यूनियन टेरिटोरीज मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो 1972 में क्या था ना, मणिपुर था, त्रिपुरा था, एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय जो स्टेटहुड को उसको मिल चुका था, और दो यूनियन टेरिटोरीज था जो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अकॉर्डिंग टू 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969, मतलब 1969 में जो अमेंडमेंट किया गया था जो 22nd, वहीं पे क्या किया गया ना इंक्रीज टू 21 स्टेट्स। पहले जो 18 स्टेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था जो मतलब अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद जो 18 के बाद यहाँ पे बनाया गया 21 स्टेट्स, और 3 को ऐड किया गया वो था मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 एंड मेघालय 21।
नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्किम के बारे में। टिल 1917 इट वाज इंडियन प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय खोगेल। 1917 तक ये एक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स था, वो उसको रूल कर रहे थे वहां पे कोयल। और आफ्टर द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंट सी, जो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट सी जो था ब्रिटिश और इंडियन मतलब वहां के राजा का वो सम्मिलित करके जो था वो लैप्स हो गया, उसके बाद इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्किम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया। और 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वहीं पे सिक्किम को एक स्टेट बनाया गया। तो ऐसे आसाम हमारा भारत का 22 सेकेंड मतलब वहां पे एक स्टेट बन गया 22। नेक्स्ट हम चलते हैं मिजोरम, वो 23rd बन गया, और अरुणाचल प्रदेश 24 बन गया, और गोवा हो गया 25th। इन 2003 न्यू स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटोरीज ऑफ एमपी, यूपी एंड बिहार। 2000 में क्या किया गया ना, छत्तीसगढ़ बनाया गया जो 26 था, उत्तराखंड बनाया गया जो 27 था, और झारखंड बनाया गया जो 28 था। ये जो थ्री स्टेट क्रिएट किया गया ये दूसरा थ्री स्टेट्स में मिला होके था, तो वो था क्या ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इससे अलग करके ये थ्री स्टेट बनाया गया था जो 26, 27 एंड 28 था। उसके बाद इन 2014 न्यू स्टेट्स ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस एज 29th स्टेट। जो 2014 में क्या किया गया, जो मतलब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया दिया गया, तो तेलंगाना था जो 29th स्टेट था। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 370 था उसको अबोलिश करके 31 अक्टूबर 2019 में हमारा जो जम्मू कश्मीर था उसको अबोलिश किया गया, और उसके जगह दो यूनियन टेरिटोरीज बनाए गए। पहले तो जो था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो अभी हमारा देश में टोटल 28 स्टेट है, और जो यूनियन टेरिटोरीज है वो है 8, क्योंकि जो जनवरी 26 को दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज किया गया है। तो नाउ देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। ये था हमारा देश का जितना भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज कैसे बनाया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।